हेलो चिल्ड्रेन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी क्लास सिक्स कंप्यूटर की सेकेंड चैप्टर जो वर्ड प्रोसेसिंग या एमएस वर्ड हम कर रहे थे, जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम इसके आगे का पढ़ने वाले हैं। हमने दो पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया है उसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हमने हेडर फुटर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ पढ़ लिया है हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने हेडर फुटर पढ़ा था, हेडर फुटर तक हमारा कंप्लीट हो गया था, इंडेंट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और फॉर्मेटिंग वाला पार्ट और पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, पैराग्राफ वाला पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसमें मेल मर्ज पढ़ेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में ये थर्ड पार्ट है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, बाकी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है एमएस वर्ड का, इसलिए इसके काफ़ी वीडियो बन जाएंगे, शायद 3-4 वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ तक हम कर चुके हैं, ये ऐड पैराग्राफ बॉर्डर भी हमने कर लिया था और सेडिंग टेक्स्ट कर लिया था हमने। इसके बाद में आपका इंडेंट टेक्स्ट भी हो गया था, ठीक है। इंडेंट टेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, आज हम मेलिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये केबीएस के द्वारा डिजाइन की गई सीरीज है, ठीक है। केबीएस के द्वारा डिजाइन की गई ये सीरीज है और काफ़ी अच्छी कंप्यूटर की सीरीज है। इसे मैं आपको 3rd to 10th तक करा दूंगी, ठीक है। 3rd का हो चुका है, 4th हो गया है, 5th हो गया है, ये आपका 6th का चल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आगे की भी क्लासेस की करा दूंगी, ठीक है। चलिए मेल मर्ज, ठीक है, आज हम मेल मर्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है। जो मेल मर्ज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, ठीक है। मेल मर्ज एक इंपॉर्टेंट टूल है, महत्वपूर्ण टूल है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का, विच अलाउ यू टू क्रिएट फॉर्म, लेटर, मेलिंग लेबल एंड एनवेलप व्हाइल लिंकिंग मेन डॉक्यूमेंट टू अ सेट ऑफ डाटा या डाटा सोर्स, ठीक है। ये आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, लेटर का फॉर्म बना सकते हैं, एक लेटर बना सकते हैं, मेलिंग बना सकते हैं, लेबल इसके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेबल बना सकते हैं, इनवलप बना सकते हैं, ठीक है, इनवलप बना सकते हैं। और इन सबको आप बनाने के बाद, इनवलप किसको बोलते हैं, लिफाफे को, लेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं क्रिएट, और मेलिंग, ठीक है। इन सबको बनाने के बाद आप इसे लिंक कर सकते हैं, लिंक मतलब जोड़ सकते हैं अपनी मेन डॉक्यूमेंट को, जो आपकी मेन पेज है या मेन जो आपकी मुख्य डॉक्यूमेंट है उससे आप इसे लिंक करा सकते हैं। सेट ऑफ डाटा, ठीक है, अपने डाटा को या फिर डाटा सोर्स को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। द मेन डॉक्यूमेंट, जो आपका मुख्य डॉक्यूमेंट होगा, इज लिंक टू द डाटा सोर्स, ठीक है। जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होगा वो किससे लिंक होगा, वो डाटा सोर्स के साथ लिंक होगा, बाय कॉमन फील्ड ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा की कॉमन फील्ड के द्वारा, कॉल्ड मर्ज फील्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, जो मर्ज फील्ड कहलाएगी, ठीक है। डाटा सोर्स और बाय कॉमन फील्ड, डाटा सोर्स के द्वारा जो आपकी कॉमन फील्ड होगी डाटा की, उसे आप क्या कहेंगे, मर्ज फील्ड कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, मर्ज फील्ड कहलाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म लेटर, लेटर का जो फॉर्म होगा, योर मेन डॉक्यूमेंट, आपके मुख्य डॉक्यूमेंट का जो लेटर का फॉर्म, फॉर्मेट आप बनाएंगे, इससे कोई भी फॉर्म आप जो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट का, वुड बी द लेटर इन्फॉर्मेशन, वो क्या होगी, आपके लेटर, लेटर जो आप बनाएंगे उसकी इन्फॉर्मिंग होगी, ठीक है, लेटर इन्फॉर्मिंग होगी, द पेरेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके यहाँ पीटीएम होता है, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसका एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है, ठीक है, एक फॉर्मेट आपको तैयार करना है, जो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जो आपके यहाँ हर महीने होती है, ठीक है, हर मंथ होती है, तो पीटीएम जो होता है पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, एक लेटर बनाएंगे, लेटर इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म करने, इन्फॉर्म मतलब उनको जानकारी देने के लिए किस डेट में किस टाइम में पीटीएम रखा गया है, ठीक है। पेरेंट्स टू बी कॉल्ड, जिन पेरेंट्स को जो बुलाना होगा
कॉल मतलब बुलाना फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जब भी पेरेंट्स को बुलाना है उस टाइम आप इन्फॉर्म करने के लिए लेटर तैयार करेंगे। द डाटा सोर्स इज वेयर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर आर लोकेटेड, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स तो हर अलग अलग जगह रहते हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं ना, एक जगह तो कोई नहीं रहता, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जो डाटा सोर्स होगा वेयर द फील्ड, ठीक है, जहाँ पर फील्ड होगी, फील्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, फील्ड की इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स के लिए, जो कि रिसीविंग मतलब उन्हें प्राप्त हो सके, लेटर आर लोकेशन, उनकी लोकेशन पर उन्हें लेटर प्राप्त हो सके। कैसे प्राप्त होगा ये लेटर? लेटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है पीटीएम की, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तो सभी पेरेंट्स के लिए सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका ये लेटर है, इनवलप जो आप इसके ऊपर बनाएंगे, इसमें जो आप एड्रेस टाइप करोगे, एड्रेस तो सबका अलग अलग होगा, है ना, या जो आप एड्रेस लिखेंगे सबका एड्रेस अलग अलग होगा, जो मेलिंग एड्रेस होगा, ठीक है। तो डाटा सोर्स वुड कंटेन नेम्स, डाटा सोर्स में क्या क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे डाटा सोर्स आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। डाटा सोर्स में क्या क्या होगा? डाटा सोर्स में कंटेन होगा, कंटेन मतलब आप लिखेंगे, रखेंगे, नेम्स लिखेंगे, ठीक है, उनका नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे और उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। जो आप ऊपर इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें कि कहाँ पे आपको लेटर भेजना है, तो उनका नाम होगा, बिना नाम के तो नहीं जाएगा, उनका पता होगा, ठीक है, एड्रेस आप दोगे। और अगर कहीं जो लेकर जाने वाले को अगर एड्रेस नहीं मिलता है तो फ़ोन करके पता करेगा एड्रेस, तो यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर भी देंगे, ठीक है। जो इनवलप के ऊपर का एड्रेस सबका अलग अलग होगा और इनवलप के अंदर का जो मैटर है वो सबका सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पीटीएम एक ही डेट पे होगी, ठीक है, एक डेट पे होगी, जिनको एक डेट पे आपको बुलाना है, जिन जिनको पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी उसमें। इफ यू वर पेंटिंग इनवलप्स, यदि आप इनवलप को प्रिंट करते हैं, ठीक है, लिफाफे, इनवलप किसको बोलते हैं, लिफाफे को बोलते हैं ना, लिफाफे को यदि आप प्रिंट करते हैं या एड्रेस लेबल या उसी उस पर एड्रेस को लेबल करते हैं, ठीक है, लेबल मतलब होता है कि नाम लिखा, फिर एड्रेस लिखा, फिर फोन नंबर लिखा, इस तरह से, ठीक है, तो उसको लेबल करते हैं, द मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द इनवलप, इनवलप का जो लिफाफे का मुख्य डॉक्यूमेंट है या फिर शीट है जो आपने तैयार की है विद लेबल ऑन इट, इसके साथ आप लेबल करिए, अटैच करिए, ठीक है। द डाटा सोर्स वुड बी द एड्रेस दैट आर टू बी प्लेस्ड ऑन दीज इनवलप्स या लेबल्स ऑन द सीट, ठीक है, जो भी सीट आपने तैयार की है उसके साथ आपको अपने इनवलप को क्या करना है, लेबल करना है या उसको अटैच करना है। अब देखिए, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज, जब आप मेल मर्ज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब आप मेल मर्ज को परफॉर्म करते हैं तो यू विल नीड, आपको आवश्यकता होती है, ठीक है, यू विल नीड, नीड मतलब आवश्यकता, आपको जरूरत होती है वर्ड डॉक्यूमेंट, किसकी जरूरत होती है आपको, वर्ड डॉक्यूमेंट की, ठीक है, मेल मर्ज को परफॉर्म करने के लिए आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। यू कैन स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग वन, क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है, आप जो एग्जिस्टिंग वन का मतलब है जो पहले से बना हुआ है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं या आप कोई नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिसिपिएंट लिस्ट, आप रिसिपिएंट की लिस्ट ले सकते हैं विच इज टाइपिकली एन एक्सेल वर्कशीट, जो कि आपने एक्सेल वर्कशीट पे टाइप कर रखी हो, जैसे कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के घर की इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस, उनके माता पिता की इन्फॉर्मेशन, उनके माता पिता का नाम, वो रहते कहाँ हैं, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, है ना, और वो करते क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेल शीट पे बना रखी होगी, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं या फिर आप नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेल मर्ज में जाने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप रिसिपिएंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर पहले से आपने बना रखा है तो यहाँ से आप रिसिपिएंट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेल मर्ज में आप जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है, आप सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक के बाद एक
वन बाई वन यहाँ पे स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लोरिंग मेल मर्ज प्रैक्टिकली, ठीक है, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, आप कंप्यूटर में खोल के देखिएगा, ठीक है, या स्कूल में जब आप जाएंगे तो खोल के देखिएगा अपने स्कूल में, और वहाँ पे जो आपको टीचर हैं जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं उनसे भी आप प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से बनी हुई है, ठीक है, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट पहले से बनी हुई है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो पहले से बनी हुई, या फिर आप नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या आप नया बना सकते हैं, या जो भी आपने पहले से बना रखी है उसे आप ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई नया क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है, एक नया क्रिएट कर सकते हैं। देन क्लिक द मेलिंग टैब, फिर आप क्या करेंगे, मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देन थर्ड इज क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज, फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज में, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ आप इंसर्ट में जाएंगे फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज कमांड पे आप क्लिक कर देंगे। और फोर्थ में फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है, फिर आप इसको क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। अगर आप 2010 वर्ड यूज कर रहे हैं, 2010 को यूज कर रहे हैं, तो सेम स्टेप आपको मिलेंगी, ठीक है। Then the mail merge task pane appear and will guide you through a 6 main step by complete the mail merge, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका mail merge wizard start हो जाता है, ठीक है, mail merge task pane appear होगा, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना नीचे, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं दो, ठीक है। तो मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना, विल गाइड यू, जो आपको गाइड करेंगी थ्रू अ 6 मेन स्टेप, ठीक है, कि 6 आपको मुख्य स्टेप के बारे में गाइड करेंगे टू कंप्लीट मेल मर्ज, ठीक है, मेल मर्ज को पूरा करने के लिए। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म लेटर, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि आप एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म लेटर को, ठीक है, एंड मर्ज लेटर विद द रिसिपिएंट लिस्ट, और जो रिसिपिएंट लिस्ट है इससे आप किस तरह से उसे मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मर्जिंग का मतलब होता है जोड़ना, आप सिंपल हिंदी में समझिए, मर्ज करने का मतलब क्या है, जोड़ देना है ना। तो यहाँ पे जब आप मेल मर्ज ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका विजार्ड खुल जाएगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, अब आपको यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप देखना है, दो दी यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग, आप किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, या तो आप लेटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे और हाउ डू यू वॉन्ट टू सेटअप योर लेटर, अब आपको अपना लेटर कैसे सेटअप करना है, तो आप इसको चूज करेंगे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट को, ठीक है, करेंट मतलब होती है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं करेंटली, ठीक है, पहली स्टेप में, अब आप स्टेप समझिए यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट की टाइप को चूज करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप आप चुनेंगे कि आपको किस टाइप की डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, या आपको लेटर चाहिए या फिर यूज करेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, तो आप चूज द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वॉन्ट टू क्रिएट, जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल सिलेक्ट लेटर, इस एग्जाम्पल में जैसे आपको लेटर सिलेक्ट करना बताया गया है ना, दूसरे में क्लिक नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट टू मूव द स्टेप टू, और दूसरे में क्या कर सकते हैं आप कि आप नेक्स्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप लेटर को सिलेक्ट करके क्लिक नेक्स्ट पे करोगे, ठीक है, उसके बाद में स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट टू मूव स्टेप टू, स्टेप टू पे आप मूव हो जाएंगे, ठीक है, स्टेप टू में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके बाद आप क्या सिलेक्ट करेंगे, करेंट डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट रिसिपिएंट टू मूव द स्टेप टू, ठीक है, फिर आपको स्टेप थ्री में जाके क्या करना है, स्टेप थ्री में जाके आपको रिसिपिएंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए
रिसिपिएंट का मतलब जो फाइल आपकी पहले से एड्रेस की फाइल आपने बना रखी है, ठीक है, सारे बच्चों के एड्रेस आपने लिख रखे हैं, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। स्टेप थर्ड, नाउ यू विल नीड एन एड्रेस। आपको किसकी आवश्यकता होगी? एड्रेस की जरूरत होगी, क्योंकि बिना एड्रेस के तो आप भेज नहीं पाएंगे, है ना, तो आपको एड्रेस चाहिए होगा। सो वर्ड कैन ऑटोमेटिकली प्लेस ईच एड्रेस इन टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वर्ड पे जो पहले से एड्रेस बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, वर्ड कैन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, ठीक है, प्लेस ईच एड्रेस, वो अपने आप ही सबके एड्रेस को ले लेगा, ठीक है, ईच एड्रेस मतलब हर एक के, इन टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में से वो सबके एड्रेस को ले लेगा। द लिस्ट कैन बी इन एन एग्जिस्टिंग फाइल, उस लिस्ट से जो पहले से फाइल बनी हुई है, जैसे आपको दिख रही है ना एक्सेल की फाइल यहाँ बनी हुई है, सच एज द एक्सेल वर्कशीट, ठीक है, जो कि एक्सेल वर्कशीट पर बनी हुई है, या फिर यू कैन टाइप अ न्यू एड्रेस, या फिर आप नया एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम विद इन द मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड में जाके आप नया एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से एड्रेस नहीं मौजूद है तो, ठीक है। देन, और अच्छा यही होगा कि आप एक एक्सेल सीट में सभी का एड्रेस पहले ही टाइप कर लें जितने लोगों को आपको मेल भेजना है, ठीक है। चलिए फिर आप क्या करेंगे, अगर आप मेल मर्ज विजार्ड में जाएंगे तो फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पेन, ठीक है, फिर मेल मर्ज टास्क पेन सिलेक्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, फिर जो पहले से मेल मर्ज विजार्ड पेन में जाने के बाद आप पहले से बनी हुई लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ब्राउजर्स, फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ब्राउजर्स पे, ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्लिक कर देंगे देन, ठीक है, इसके बाद आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, लोकेट योर फाइल, जो आपकी फाइल है वो लोकेट जहाँ पर भी होगी, इन द डायलॉग बॉक्स यू मे सीधा नेविगेट टू द डिफरेंट फोल्डर देन क्लिक, ठीक है, ओपन। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हो इस पे, फिर क्या होगा, आपके सारे एड्रेस इस तरह से ओपन हो जाएंगे, देखिए सारे एड्रेस इस तरह से ओपन हो जाएंगे, फिर जिस जिस को आपको क्लिक करोगे, जो भी आपकी सीट है, पहले आप सीट पे क्लिक कर लीजिए, कौन सी सीट है आपकी, ठीक है, उसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इफ द एड्रेस लिस्ट इज एन एक्सेल सीट, अगर एड्रेस लिस्ट जो है आपकी एड्रेस की लिस्ट एक्सेल सीट पर है, ठीक है, या वर्कशीट एक्सेल वर्कशीट पर है, सिलेक्ट द वर्कशीट, ठीक है, जैसे अगर आपकी एक्सेल वर्कशीट पे है, ये तो जैसे हमने एक्सेल की फाइल ऊपर देखी थी, अब आपकी एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो गई है, यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट ही दिखाई दे रही है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, दैट कंटेन द लिस्ट, और देन क्लिक ओके, आप इसे सिलेक्ट करके इस ओके पे, यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करोगे, फिर ओके पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। देन इन द मेल मर्ज रिसिपियंट, ठीक है, अब ये देखिए सारे एड्रेस आ गए आपके पास, ठीक है, रिसिपियंट डायलॉग बॉक्स, ये आपका डायलॉग बॉक्स है, ये क्या है, ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, जो भी एड्रेस थे सबका डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है सब में, ठीक है। अब आपको किन किन को भेजना है मेल मर्ज, ठीक है, मेल किस किस को करना है, उनको आपको चेक करना है, ये सारी आपको लिस्ट मिलेगी जो आपने पहले से एड्रेस बना रखे हैं, ये आपको चेक बॉक्स दिख रहे हैं, जिन जिन को आपको भेजना है उनको आपको चेक लगा देना है उनके सामने, ठीक है, इन बॉक्स को चेक कर देना है, जिनको नहीं भेजना है उनको आप अनचेक कर सकते हैं, ओके, तो आप जिनको भेजना है उसे चेक करिए और जिन्हें नहीं भेजना उसे अनचेक कर दीजिए, अनचेक मतलब सिलेक्ट को हटा देना है, ठीक है। अनचेक ईच रिसिपिएंट कंट्रोल विच वन आर यूज इन मर्ज, आप उन्हें यूज करिए जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर डन, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन क्लिक ओके और क्लोज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, फिर आप इस ओके पे क्लिक कर दीजिए और डायलॉग बॉक्स अपना क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा, फिफ्थ में फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पेन, ठीक है, मेल मर्ज टास्क पेन में क्लिक नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, राइट योर लेटर टू मूव द स्टेप फोर, ठीक है, स्टेप फोर में जाके अपने लेटर को आप टाइप करिए, ठीक है। चलिए आपको लेटर टाइप करना है स्टेप फोर में, नाउ यू आर रेडी टू राइट योर लेटर, अब आप अपने लेटर को राइट करने के लिए, लिखने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। व्हेन इट्स प्रिंटेड, जब इसे आपको प्रिंट करना होगा, ईच कॉपी ऑफ द लेटर विल बेसिकली
वी नेम, ठीक है, एक्सेप्ट द रिसिपिएंट डाटा लाइक द नेम एंड एड्रेस विल बी डिफरेंट वन ईच वन. ठीक है, क्या होगा, एक लेटर आपने सेम सबके लिए पीटीएम का लेटर यहाँ टाइप कर लिया, ठीक है, लेकिन लेटर पे जो एड्रेस आएंगे सबके अलग अलग होंगे. ठीक है, लेटर का मैटर सेम है पर सबके एड्रेस अलग अलग होंगे. ठीक है, जिनके नेम जो जो नेम है एड्रेस है वो अलग होंगे. ठीक है, तो लेटर विल बी बेसिकली टू बी सेम, क्या बता रहे हैं कि जो लेटर होगा वो सेम होगा. ठीक है, एक्सेप्ट कि एक्सेप्ट किसके अलावा, उनका रिसिपिएंट का डाटा जो है लाइक नेम एड्रेस ये आपका डिफरेंस डिफरेंट होगा. ठीक है, यू विल नीड टू ऐड प्लेस होल्डर, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लेस होल्डर को ऐड करने की. ठीक है, आपको प्लेस होल्डर ऐड करने की जरूरत पड़ेगी फॉर रिसिपिएंट डाटा, रिसिपिएंट के डाटा के लिए. सो मेल मर्ज नॉन एग्जैक्टली, इसलिए जो मेल मर्ज है नॉन मतलब जानना, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही से, वेयर टू ऐड द डाटा, जहाँ पर भी आप डाटा को ऐड करना चाहते हैं. यहाँ देखिए एड्रेस ब्लॉक, ठीक है, आपको एड्रेस ब्लॉक ऐड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए. ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग मेल मर्ज, यदि आप मेल मर्ज यूज करते हैं विद एन एग्जिस्टिंग लेटर, एग्जिस्टिंग मतलब बने हुए. ठीक है, अगर आप पहले से बने हुए लेटर में मेल मर्ज यूज करते हैं, मेक श्योर द फाइल इज ओपन, तो सबसे पहले आप फाइल को ओपन करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये फाइल आपको दिखाई दे रही है, इसे आप सबसे पहले ओपन करेंगे अगर आप पहले से बनी हुई फाइल में आप अपना मेल मर्ज यूज करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट द इंसर्टिंग रिसिपिएंट डाटा. ठीक है, अब आपको इंसर्ट करना है रिसिपिएंट के डाटा को. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप इंसर्शन पॉइंट में जाइए इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को. वेयर यू वांट टू इंफॉर्मेशन टू अपीयर, जहां पर भी आपकी इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है. ठीक है, सिलेक्ट एड्रेस ब्लॉक, फिर आपको एड्रेस ब्लॉक सिलेक्ट करना है. यहाँ देखिए आप इंसर्ट एड्रेस बुक में गए. ठीक है, फिर ये देखिए इंसर्ट दिया हुआ है, रिसिपिएंट नेम, ठीक है, रिसिपिएंट नेम फॉर्मेट ही दिया हुआ है. ठीक है, किस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आप चाहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टेज, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पोस्ट कर सकते हैं या फिर मोर आइटम फ्रॉम द टास्क पेन, टास्क पेन से और भी आइटम ले सकते हैं. जिन्हें आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आपको इधर दिखाई देने लगेंगे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन पर ये बात डिपेंड करेगी कि द डायलॉग बॉक्स में अपीयर विल वेरियस ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स में तो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. यहाँ देखिए आपको सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन, जिस ऑप्शन की आपको आवश्यकता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देन क्लिक ओके, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करिए. ठीक है, जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं. देन प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर अपियर इन योर डॉक्यूमेंट, आपकी डॉक्यूमेंट में प्लेस होल्डर अपियर हो जाएगा, दिखाई देगा. एग्जाम्पल जैसे एड्रेस ब्लॉक, क्या दिखाई देगा, एड्रेस ब्लॉक की तरह. देन रिपीट दीज स्टेप ईच टाइम, आपको हर बार ये स्टेप को रिपीट करना है. यू नीड टू इंटर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए फ्रॉम योर डाटा रिकॉर्ड, अपने डाटा रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए आपको हर बार इसे रिपीट करना है, करने की जरूरत होगी. सिक्स इज फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पेन, जो मेल मर्ज टास्क पेन में क्लिक नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे. प्रीव्यू योर लेटर, आप अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हैं स्टेप फिफ्थ में जाके. ठीक है, फॉर सम लेटर, कुछ जो लेटर होंगे यू विल ओनली नीड टू ऐड एन एड्रेस ब्लॉक, कुछ लेटर्स में केवल आपको एड्रेस ब्लॉक को ऐड करने की आवश्यकता होगी एंड ग्रीटिंग लाइन, और ग्रीटिंग लाइन को. ठीक है, किसी को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है, नमस्कार बोलना है. ठीक है, किसी का ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करना. ठीक है, सम टाइम हाउएवर, कभी कभी क्या होगा, यू मे वांट टू प्लेस रिसिपिएंट डाटा विदाउट द बॉडी ऑफ द लेटर टू फर्दर पर्सनलाइज्ड इट. कभी कभी आपको क्या होगा कि रिसिपिएंट का डाटा आपको चाहिए होगा बिना बॉडी के. ठीक है, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, कभी कभी आपको रिसिपिएंट का डाटा जो बॉडी के अंदर चाहिए होगा, विद इन द बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की बॉडी के अंदर, फर्दर पर्सनल, आप अगर फर्दर मतलब बाद में, यदि आप पर्सनलाइज्ड, अगर आप इसे पर्सनलाइज्ड करना चाहते हैं तो.
ठीक है। स्टेप फाइव में क्या करेंगे आप, पहले में प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब आपको किसी को भेजने से पहले आप उसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रीव्यू द लेटर, अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हैं। टू मेक श्योर, और आप ये पक्का हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट लिस्ट अपीयर्स करेक्टली, क्योंकि जो रिसिपिएंट की लिस्ट पर जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो सही है या नहीं, इस बात को आप इंश्योर कर सकते हैं इन द लेटर, लेटर के अंदर, ठीक है। यू कैन यूज द लेफ्ट और राइट स्क्रॉल एरो, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट राइट स्क्रॉल एरो। एरो स्क्रॉल क्या होती है, इधर इस तरह से एरो होती है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इन एरो को, ठीक है, लेफ्ट राइट को स्क्रॉल कर सकते हैं। टू व्यू ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट का व्यू देखने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से यूज एरो टू प्रीव्यू ईच डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट के प्रीव्यू को देखने के लिए आप इन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आपने कभी अगर आपने ईमेल यूज किया हो तो ईमेल में जब हमें पुरानी मेल देखनी होती है तब भी हम इस तरह के एरो का यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ भी इस तरह के एरो मिलते हैं, ठीक है। तो आप इन एरो को यूज करके आगे पीछे पहले और बाद के जो भी देख सकते हैं कि आपने किन किन को ऐड किया है, किन का क्या फॉर्मेट बनाया है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, उन सबको इन एरो को यूज करके आप आगे पीछे जाके देख सकते हैं। करेंटली यहाँ पे आपको एक ही शो होगा, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है, और स्टार्टिंग का दिख जाएगा कि डियर मिस्टर जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एड्रेस आपको शो होगा। ये देखिए लेटर बना हुआ है ये, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। द प्रीव्यू अलाउ यू टू सी हाउ रिसिपिएंट डाटा विल लुक इन ईच लेटर, आप ये देख सकते हैं कि जो रिसिपिएंट हैं जिनको आप भेज रहे हैं डाटा, उनका डाटा किस तरह से दिखाई दे रहा है प्रीव्यू में, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना एक रिसिपिएंट का डाटा। देन क्लिक नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कम्प्लीट द मर्ज टू मूव द स्टेप सिक्स, जब आपका मर्ज कम्प्लीट हो जाएगा तो आप स्टेप सिक्स में मूव कर जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेप सिक्स में क्लिक प्रिंट द प्रिंट लेटर, आप लेटर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, मेल मर्ज टू प्रिंट, ठीक है, इस पे जाएंगे। सेकेंड द मर्ज टू प्रिंट, प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन, प्रिंटर डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगी, ये डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। क्लिक ऑल, अगर आपको सबको प्रिंट करना है तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जितने आपने बनाए हैं ऐड किए तो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, क्लिक ऑल कर दीजिए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ऑल को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे, ओके। और आप सारे नहीं चाहते हैं तो करंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या आप यहाँ नंबर दे सकते हैं कि आपको 5 to 10 चाहिए, 2 to 4 चाहिए, अब जो भी चाहिए यहाँ पे आप नंबर यूज कर सकते हैं, इस तरह से वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे भी चाहें, ठीक है, जिसको आपको प्रिंट करना हो। उसके बाद ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आपको मर्जिंग में मिलता है, ठीक है। देन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में विल अपीयर, ये देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है ना आपको, ये देखिए नीचे भी अपीयर हो रहा है, ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो रहा दिखाई दे रहा है। एडजस्ट द प्रिंट सेटिंग, आप अपनी प्रिंट की सेटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इफ नीडेड, अगर आवश्यकता हो तो, अगर पहले से सेट है तो कोई बात ही नहीं है, है ना, अगर आप पहले से ऐड नहीं है आपका प्रिंटर तो आप इसे प्रिंटर को पहले ऐड करिए, ठीक है। अगर जैसे कहीं पे क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइज, जैसे आप स्कूल में निकालेंगे अगर, है ना, तो स्कूल में निकालने के, स्कूल में तो कई सारे प्रिंटर होते हैं, तो जहाँ से आप प्रिंट निकाल रहे हो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रिंटर ऐड है या नहीं है, ठीक है। और अगर पहले से ऐड है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे भी मैं बता दूँ, जितने प्रिंटर होंगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो जिससे आपको प्रिंटर निकालना है उस प्रिंटर का आपको नाम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो अगर वो प्रिंटर नहीं है जिससे आप प्रिंट निकालना चाहते तो यहाँ से आप दूसरा नाम सिलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। देन क्या, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ऑल पेज निकालने हैं, ऑल सिलेक्ट करोगे, ऑल नहीं निकालने हैं तो आपको अगर करंट वाला निकालना है तो करंट पे कर दीजिए। अगर आपको जितनी कॉपियाँ निकालनी है यहाँ पे नंबर कर दीजिए, 1 copy 2 copy, बाय डिफॉल्ट 1 copy होती है, ठीक है। चलिए देन अब नेक्स्ट है इनवेलप एंड लेबल,
ठीक है। ये मर्जिंग वाला ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो गया। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको प्रिंट मिल जाएगा सबका, ठीक है। सारे एनवलप जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होगी, सबका एड्रेस और नाम फोन नंबर अलग अलग होगा, ठीक है, जिसे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक इसका इनवलप एंड लेबल, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये वीडियो 30 मिनट का हो रहा है, ठीक है, फिर इससे ज़्यादा देखने में दिक्कत होती है आपको, तो यहाँ से इनवलप और लेबल से दूसरे वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।